होती है। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो बिल गेट्स के पॉकेट से $50,000 गिर गए। बिल्कुल सत्य घटना कह रहा हूं जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी, लोगों के द्वारा भी कही गई ये बात थी। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो उनके पॉकेट से कुछ निकाला होगा तो $50,000 जमीन पर गिर गए और रबर नहीं लगी थी तो वो $50,000 बिखर गए और हवा चली हल्की सी तो ₹50,000 उड़ गए, आसपास ही उड़े, बहुत दूर नहीं। तो बिल गेट्स ने वो बिखरे हुए पैसे छोड़कर वो जाने लगा आगे। तो लोगों ने कहा, सर आपके $50,000 गिर गए हैं, उठा तो लीजिए। बिल गेट्स ने कहा, जितना समय मैं इन्हें उठाने में लगाऊंगा उतने समय में $1,00,000 कमा लूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसों की कदर ना करें, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा, इस कथा को पॉजिटिविटी से समझिएगा कि बिल गेट्स का कहना यह था कि ₹50,000 उठाने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं $1,00,000 कमा लूंगा। मतलब वो आदमी इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि वो समय की वैल्यू जानता है कि समय क्या होता है, क्योंकि वो किसकी कदर करता है। एक आदमी है पैसे की कदर करता है, एक आदमी है समय की कदर करता है। बताओ जीवन में सक्सेस कौन हो सकता है, पैसे की कदर करने वाला या समय की कदर करने वाला? जोर से और जोर से, किसकी कदर करना चाहिए बोलो? पैसा कीमती होता है या समय? इसलिए बिल गेट्स इस धरती में सबसे ज्यादा समय को समझा है। जो व्यक्ति धन से ज्यादा समय की कीमत करेगा, समय को समझेगा, समय की इज्जत करेगा, समय के महत्व को समझेगा, वही जीवन में कुछ कर सकता है। वरना 6-6 घंटे क्रिकेट देखने वाले सिर्फ खटिया तोड़ सकते हैं, इतिहास नहीं रच सकते। अब आपको यह देखना है कि आपको खटिया तोड़ू बनना है या कुछ कर गुजरना है, कर दिखाना है। और कर दिखाने के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे, आज हमारी तबीयत खराब है, आज काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात होती है, ये मूर्खों के बहाने होते हैं, तबीयत खराब है काम नहीं करेंगे। अरे ये दास अनिरुद्ध को 102 डिग्री 4 डिग्री भी बुखार होती है तो भी मैं वही काम करता हूँ जो नित्य करता हूँ। कथा सुना, जो काम मैं रोज करता हूँ स्वास्थ्य अच्छा होने पर, स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी वो काम करता हूँ मैं। मैं एक दिन का बहाना नहीं करता कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। कितनी बार मैंने वो पूरे काम किए हैं बुखार होने पर भी, सिर में दर्द है, बोला नहीं जा रहा। एक बार तो मेरा इतनी स्वास्थ्य बिगड़ गया था मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं थी, बैठा नहीं जा रहा था, पर ठाकुर जी ने शक्ति दी और कार्य किया। मैंने आज तक अपने कामों में ये बहाना नहीं बनाया आज मेरी तबीयत खराब है। ना जी, तबीयत खराब है तो तबीयत को बोलता हूँ बाद में खराब हो जाना, अभी मेरा काम खराब मत कर, चल जा बाद में आना, अभी काम करने दे, बाद में फिर देखेंगे तुझे। ये बहाने नहीं कि आज मेरा सिर दर्द है, ये दर्द है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ राम काज कीन्हे बिन मोही कहा विश्राम। आप लोग देखते हैं क्रिकेट, इसलिए इतिहास नहीं रच पा रहे हो और ना रच पाओगे यदि यही तुम्हारे लक्षण रहे तो। यही आदतें रही तो ना कर पाए हो ना कर पाओगे, लिख लेना स्टाम्प पर, साइन हम कर देंगे। क्यों जी, सही है जी, जीवन में जो सक्सेस हो चुका है उसके पास जाकर बैठो और उससे पूछो कि सक्सेस होने के लिए, एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता, और एक दिन में किसी को सफलता मिल भी गई तो याद रखना वो सफलता टिकाऊ नहीं होती। लंबे समय से जो व्यक्ति सफल होने का प्रयास कर रहा है, जब वो सफल होता है तो तूफान ला देता है दुनिया के लिए। इसलिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दो अपने सफल होने की। इतिहास रचना है आपको, इतिहास लिखना है आपको। कोई महाराणा प्रताप को एक दिन में नहीं जान गया, उनके एक बलिदान को लोग नहीं जानते, उनके सैकड़ों बलिदान को लोग जानते, उनकी सैकड़ों गाथाएं। क्यों जी, महाराणा प्रताप की गाथा कोई एक नहीं है, गाथाएं हैं, सैकड़ों कहानियां हैं, वो सैकड़ों बातें हैं जिनसे हम उनसे कुछ सीख सकते हैं।
वो आपकी तरह समय नहीं जाया करते थे, वेस्ट नहीं करते थे, बैठे तमाशा देख रहे हैं। जीवन में महाराणा प्रताप के बारे में आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी तो वो जंगल चले गए और जंगलों में जाकर के घास की रोटी खाई है, कंदमूल फल खा करके जंगली सेना तैयार की है, और जंगली सेना तैयार करके फिर एक बार हौसला लेकर के फिर दुश्मनों से लोहा लिया है। तो ये क्या है जीवन में? देखो, जीवन में एक व्यक्ति होता है हार जाता है, और एक व्यक्ति वो है जो हारने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा बताओ, असफल किसे कहते हैं? असफल व्यक्ति की परिभाषा बताइए, फटाफट बताइए। आपकी जरा सी परिभाषा के लिए समय जाया नहीं करूंगा मैं। बताइए असफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जोर से, जो व्यक्ति सफल होने के प्रयास जिसने छोड़ दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सफल होने का प्रयास छोड़ दिया है उसे आप असफल कहिए, और जो 100 बार असफल होकर भी यदि सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल व्यक्ति नहीं कह सकते। 100 बार असफल होने पर 101वीं बार जो सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल कैसे कह सकते हैं? असफल वो है जिन्होंने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए आप क्या है? सफल होने की कोशिश है या कोशिश ही छूट गई है? वो उम्मीद ना छोड़िएगा, वो कोशिश ना छोड़िएगा, वो पॉजिटिविटी ना छोड़िएगा, वो अपनी सकारात्मकता ना छोड़िएगा। 100 बार हार कर इंसान 1 बार जीत जाता है, और 1 बार जीत गया तो 100 बार की हार ही उसे जिता देती है। इसलिए विश्वास भगवान पर रखिएगा और कर्मशील व्यक्ति बनिएगा, कर्म करते रहिएगा। कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर टॉप किया हुआ लड़का कुछ नहीं करता? जयपुर में एक पढ़ा लिखा टॉप बच्चा, हर सब्जेक्ट में टॉप किया, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत शिक्षा के क्षेत्र में बनाई, टॉपर है, पर वो कुछ नहीं करता। और इसी जयपुर में एक वो आदमी है जो कम पढ़ा लिखा है, पर वो सोचता है कि मैं खाली ना बैठूं, कुछ करूं, तो वो कुछ करता है। छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया उसने, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कर लिया। तो एक कम पढ़ा लिखा है पर कुछ कर रहा है, और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है पर कुछ कर नहीं रहा है। तो बताइए, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या नहीं, बताओ? कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये नौकरी क्यों करूं? अरे जब आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही क्यों करना, नौकरी लेना ही क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां देने वाले बन जाओ ना।